बच्चों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। आज हम आपके लिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 11वीं का सेट ए लेके आए हैं। इसके पहले सेट बी का सॉल्यूशन हमने आपके लिए बना दिया है ना। विषय हिंदी है आपका, और इसमें भी आप देखने वाले हों कि आपको क्वेश्चंस के जो हैं ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स यहाँ पे बिल्कुल सटीक मिलने वाले। एक भी आंसर इधर से उधर नहीं होगा, सारे सटीक सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहेंगे इन्हीं दोनों सेटों में से आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव है कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है, इस शब्द का अर्थ है। तो बच्चों, इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा का बहन। अक्क महादेवी में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बहन। सेकंड वाला, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो छंद में अल्प विराम को हम कहते हैं यति। तीसरा क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो आंसर लगा लो 2.5 साल चला। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आप इसका आंसर लगा लेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है उसमें कुचिपुड़ी नृत्य जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप लगाइए कार्यवृत्त। क्या कहते हैं? कार्यवृत्त। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम बात करते हैं सबसे पहले रीतिकाल का प्रमुख रस है, तो रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार। श्रृंगार के ऊपर ही पूरा रीतिकाल चलता है। पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा। ठीक है, तड़े मियां नसरुद्दीन मसीहा थे, किसके थे? तो ये नान भाइयों के थे, नान भाइयों के। ठीक है, किसके थे? नान भाइयों के। चौथा है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं। तो आपको पता है, परिभाषा पड़ी होगी, तो ये कहलाते हैं तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कुई की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है, तो कुई की खुदाई का काम जो है उसको चेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंजा। सिक्स क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है, तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो था वो था उद्दंड मारदंड, उद्दंड मारदंड। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है, तो आपको सत्य बताना है असत्य बताना है? तो पहले का आप आंसर लगा लीजिए सत्य, बिल्कुल निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। सेकेंड है, छंद में गणों की संख्या 9 होती है क्या? बिल्कुल गलत है, छंद में गणों की संख्या 9 नहीं होती है। थर्ड है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, तो बिल्कुल सत्य है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो इसको आप लगा लिया सत्य, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद में प्रयोग होता है, उपसर्ग होता है पहले शब्द के पहले। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, गुप्त काल कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है, बिल्कुल सही लगा लीजिए, गुप्त काल जो है वो कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है। 6th वाला, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो यह असत्य है, सरकारी पत्र जो है अनौपचारिक श्रेणी में नहीं आते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी में मैं आपको बताते जाता हूं, सबसे पहले आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आप इसका सटीक आंसर लगा लेंगे द्विवेदी युग खा वाला, सामने मिला दीजिए इसके, सामने से थोड़ा सा नीचे। सेकेंड वाला है, तार सप्तक, तार सप्तक का क्या हो जाएगा? तो तार सप्तक का आपका होने वाला है प्रयोगवाद, तार सप्तक का हो जाएगा प्रयोगवाद, क्रॉस कर दीजिए आप, है ना, क्रॉस में ये आंसर लगे। थर्ड है, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी तो मैं हार गई, मन्नू भंडारी मैं हार गई। चौथा है आपका शब्द के व्यापार, शब्द के व्यापार में आप क्या लगाओगे? तो शब्द के व्यापार में आप लगाइए गावला शब्द शक्ति, ये वाली जोड़ी मेरे हिसाब से तो लगभग सरल है। इसके बाद है शुभकामनाएं आशीर्वाद, शुभकामनाएं आशीर्वाद, इसको लगा दिया आप इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। कुटिकृत, कुटिकृत, तो कुटिकृत को आप किससे लगाओगे? कुटिकृत को तो आप लगा दीजिए एनकोडिंग, सीधा सामने। ठीक है, और बचा है अनूप मिश्रा, और आंसर आपके बचे हुए हैं 2, है ना, 2 एक्स्ट्रा, इसमें 3 बचे हुए हैं। ठीक है, तो अनूप मिश्रा जो है उसकी जो रचना है वो है राजस्थान की रजत बूंदी, यानी कि आपका जावाला और झावाला छूट जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख के जाइए परीक्षा के पहले, ज़्यादा समय लगेगा नहीं आपको देखने में।
अब हम बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, एक वाक्य में उत्तर है तो आप ध्यान से सुनते जाना और लिखते जाना, ठीक है, अपने पास लिखते जाना। सबसे पहला है अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए, तो आप इसका नाम लिख लीजिए चेन्नमल्लिकार्जुन, क्या हो जाएगा चेन्नमल्लिकार्जुन पहले वाले का। सेकेंड है पंडित राजनाथ जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, देखो एक होती है रसात्मक वाक्यम काव्यम है ना, लेकिन इनकी क्या हो जाएगी पंडित राज जगन्नाथ, यहाँ पे पंडित का नाम चेंज हो गया राज जगन्नाथ है, तो इसका लिख लेना आप रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। वापस सुनिए रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ठीक है। थर्ड है किसान सामान्यता भारत माता को क्या अर्थ लेते थे, तो भारत माता का मतलब होता है धरती माता, भारत माता का मतलब धरती माता। चौथा है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, भारत मित्र के संपादक का नाम आप लिख लीजिए बाल मुकुंद गुप्त, चौथे वाले का आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। पांचवा बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखना है बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं, तो लिखिए सव्यसाची, क्या लिख लेंगे आप सव्यसाची, सव्यसाची कहते हैं। सिक्स्थ वाला है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम, तो इसका बहुत बड़ा सा नाम है ध्यान से सुनिएगा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सड़ीदार मैया कामकली, शिवपुत्र सड़ीदार मैया कामकली, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है संपादक के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए, संपादक के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है तथ्यों की शुद्धता, तथ्यों की शुद्धता, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएंगे, इसके बाद आप ये जो दो नंबर तीन नंबर क्वेश्चन है इनको भी आप देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों सेटों में सेट ए और सेट बी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि पुराने पेपर्स में भी यही हुआ है कि इनमें से ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर्स आप अपने एग्जाम्स में लेके आइए, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने क्वेश्चंस इन दोनों सेट्स में से आए हैं।